बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस और एक्सरसाइज 6.1 चल रही है। और 6.1 में एक यानी कि आगे जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें जो है जिस टॉपिक से वो रिलेट कर रहे थे वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। हमने देखा था कि सर्कल्स एक्सटर्नली टच किस तरह से कर रहे होते हैं, क्या सिनेरियो होता है, और इंटरनली टच किस तरह से कर रहे होते हैं, क्या सिनेरियो होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला केस जो है वो सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेंटर इसका जो है ये C1 है, ठीक है, ये सेंटर C1 कहलाता है, यानी कि सर्कल 1 अगर इसको हम कंसिडर करें तो ये C1 है, सेंटर 1, ठीक है। और इसी तरह से इस सेंटर का नाम मैं रख देता हूँ C2, यानी कि सर्कल 2 है अगर ये, तो इसका सेंटर ये, इसका चले हम ऊपर लिख ही देते हैं, सर्कल 1 ये है और सर्कल 2 ये है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल 1 और सर्कल 2, और दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, और इन दोनों के सेंटर्स जो है रेस्पेक्टिवली C1 और C2 हैं, ठीक है। अब C1 का जो रेडियस है वो क्या किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से ये बाउंड्री तक, ठीक है। इसको हम सर्कल 1 के रेडियस को हम बोल देते हैं R1, और इसी तरह से जो हमारे पास सर्कल जो है सर्कल 2 उसका रेडियस किस तरह से बनेगा, ये बाउंड्री से लेकर सेंटर ऑफ द सर्कल तक ये डिस्टेंस जो है वो R2 कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें कि अगर मैंने इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो अगर मैंने कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, C1 और C2। मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो C1 C2 जो डिस्टेंस है वो मैंने कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट भी करें तो वो किसके इक्वल आएगा, ये R1 और R2 के सम के इक्वल आएगा, मतलब कि R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। अब हम दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं, यानी कि जो सर्कल्स टचिंग इंटरनली का केस है, इसमें भी हम जो है सेंटर्स के नाम रख देते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला सर्कल है बड़ा सर्कल उसको हम सर्कल 2 कह देते हैं, ठीक है, सर्कल 2, और इस सर्कल को हम कह देते हैं सर्कल 1, सर्कल नंबर 1, ठीक है, इनके नाम मैंने रख दिए। तो इसी तरह से फिर इसके रेस्पेक्टिव हमारे जो हैं वो सेंटर्स बन जाएंगे, यानी कि इसको मैं C1 कह दूंगा, ठीक है, जो हमारे छोटे सर्कल का सेंटर है, और इसी तरह से जो बड़े सर्कल का सेंटर है उसको हम C2 कह देते हैं। अब इन दोनों के रेडियस भी देख लेते हैं, रेडियाई देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस सर्कल्स सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस मैं मेजर करूँ तो ये रेडियस के इक्वल आएगा, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ ये R1 है, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ ये R1 है। अब मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ रेडियस बड़े सर्कल का तो वो किस तरह से आएगा, फिजिकली अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस जो है ये बनता है R2, ठीक है, ये कंप्लीट R2 बनता है रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और R1 कौन सा बनता है, जो आपको ब्लैक कलर या ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रही है। तो अब इन दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या बनेगा फिर, ठीक है, ये C1 सेंटर और C2 सेंटर, इन दोनों सेंटर्स के दरमियान फिर डिस्टेंस कौन सा बनता है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, येलो कलर से चले मैं बना देता हूँ, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस बनता है, ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बनता है। अब इन दोनों का डिस्टेंस मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो वो किसके सम या किसके डिफरेंस के इक्वल आएगा, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, मतलब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ C1 C2 का डिस्टेंस। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो रेडियस 2 में से, यानी कि R2 जो है उसमें से अगर मैं R1 माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस बच जाता है, ठीक है, ये पार्ट बच जाता है ना, जो कि किसके इक्वल है, C1 C2 डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि C1 C2 डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, R2 माइनस R1। तो ये इसके जो है यानी कि हम कह सकते हैं मैथमेटिकली अगर हमने प्रूव करना हो कि दो सर्कल्स
जो है अगर हमने चेक करना हो कि दो सर्कल्स आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज आपस में टच कर रही हैं, लेकिन दो सिनारियोज बनते हैं ना, या तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या फिर इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो है ये देख सकते हैं कि दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस अगर आर वन प्लस आर टू है तो फिर ये केस होगा सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, और अगर उन दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो आर टू माइनस आर वन हुआ, ठीक है, ये आर वन माइनस आर टू हुआ, तो फिर ये केस बनता है सर्कल्स टचिंग इंटरनली का। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। अब हम जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने सेवन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर सेवन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिखूँगा। स्टेटमेंट है शो दैट द सर्कल्स, अब हमें दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, क्योंकि दो सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सर्कल वन है और दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी हमें गिवन है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ये दो सर्कल्स हैं और आपस में टच कर रहे हैं, तो हमने शो करना है कि वो टच कर रहे हैं, टच एक्सटर्नली। सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली का केस हमने पीछे देखा, ठीक है, वो क्या केस था, एक्सटर्नली जब टच कर रहे हो तो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस जो है वो आर वन प्लस आर टू होना चाहिए, तो तभी हम मेजर कर सकेंगे अगर हमारे पास रेडियस वन भी मौजूद हो और रेडियस टू भी मौजूद हो। मतलब कि इसको अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल वन है, सर्कल नंबर वन है, और इसको मैं कहूँ कि ये सर्कल नंबर टू है, तो इन दोनों के सेंटर्स यानी कि सी वन और सी टू मुझे चाहिए होंगे, उसके अलावा दोनों के रेडियाई चाहिए होंगे, मतलब आर वन, ठीक है, और सर्कल टू का रेडियस आर टू, ये दोनों मुझे वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तब मैं जाके इन दोनों का सर्कल्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा और फिर मैं चेक करूँगा कि ये आर वन प्लस आर टू के इक्वल हैं या नहीं है। तो चलें, जिस तरह से हमें इक्वेशंस गिवन है, अब हम उनके सेंटर्स भी निकालते हैं। सर्कल वन पे आते हैं हम। सर्कल नंबर वन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमें गिवन है सर्कल वन की। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को अब आप कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास टू जी इज इक्वल टू आता है एक्स टू के, और टू एफ जो है वो इक्वल आता है माइनस टू के, और इसके अलावा सी जो है वो इक्वल आता है माइनस सेवन के, ठीक है। तो टू जी इज इक्वल टू टू, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा वन, और एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, और सी इज इक्वल टू ऑलरेडी किसके इक्वल है, माइनस सेवन के। और जो पहले हम देख चुके हैं कि सर्कल का सेंटर किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी और माइनस एफ, और यहाँ से आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर क्या बन जाएगा फिर आपके पास, सेंटर वन यानी कि सी वन, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी वन जो है वो इक्वल होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस वन और पॉजिटिव वन, ठीक है, ये सर्कल सी वन के सेंटर बन गया, ठीक है। अब हम इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हैं आर वन, ठीक है, बल्कि रेडियस पहले मैं लिखता हूँ कि किसके इक्वल होता है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट। अब इसमें मैं आर वन के लिए इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, आर वन इक्वल किसके आ जाएगा, जी स्क्वेयर जो वन का स्क्वेयर प्लस एफ है माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर और माइनस सी है, माइनस सी, सी की वैल्यू माइनस सेवन है, ठीक है, और उसके ऊपर है स्क्वेयर रूट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आर वन के लिए, वन स्क्वेयर प्लस बल्कि वन स्क्वेयर का इस वन ही होगा, प्लस वन प्लस सेवन स्क्वेयर रूट, तो आर वन इक्वल आ जाता है स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन, जो कि इक्वल होता है थ्री के,
ठीक है, यानी कि आर वन की वैल्यू हमारे पास है 3 और सी वन भी हमारे पास आ चुका है माइनस वन वन, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। इसी तरह से अब हम चलते हैं सर्कल टू की तरफ, सर्कल नंबर है 2। अब इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी हमें C1 चाहिए और बल्कि C2 चाहिए, इसका सर्कल का सेंटर जो है C2 और इसका रेडियस चाहिए R2। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको कंपेयर करके अपनी जनरल इक्वेशन से, यानी कि सर्कल की जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें और आपके पास जो है 2g इक्वल आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू माइनस 6 और 2f इज इक्वल टू आ जाता है 4k और सी इक्वल टू आ जाता है माइनस 9k। अब यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं माइनस 3, एफ इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो इसका सेंटर जो है हम पहले भी देख चुके हैं कि सेंटर जो है वो किसके इक्वल होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो हम इसमें जो है जी और एफ की वैल्यूज पुट करते हैं सी टू कैलकुलेट करने के लिए, तो माइनस 3 यानी कि पॉजिटिव 3 हो जाएगा और माइनस एफ है मतलब के माइनस 4 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने रेडियस कैलकुलेट करना है तो रेडियस जो है वो इक्वल होता है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट। तो इसमें जी की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस एफ है 4 का स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस सी, सी है यहाँ पर माइनस 9 तो ये प्लस 9 हो जाएगा और उसका स्क्वेयर रूट, तो 9 प्लस 16 प्लस 9 का स्क्वेयर रूट। तो ये हमारे पास रेडियस 2 आ जाता है R2। ठीक है, R2 की वैल्यू इसको आप अगर देखें तो ये हमारे पास आएगी, बल्कि क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, करेक्शन ये है कि यहाँ पर जो है ये प्लस 9 है, ठीक है, माइनस 9 नहीं है सर्कल 2 की इक्वेशन में। तो इससे फिर हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस 9, ये भी माइनस 9 होगा और ये 9 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 बन जाता है। R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। ठीक है, सेंटर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स 3 और माइनस 4 हैं और रेडियस 2 जो है वो 4 आ चुका है हमारे पास। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इन दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो R1 प्लस R2 बनता है या R2 माइनस R, यानी कि सम के इक्वल बनता है रेडियस के या रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल बनता है। ठीक है, तो उससे पहले तो हमें फिर C1 C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। C1 के कोऑर्डिनेट्स मैं दोबारा से यहाँ पर लिखूंगा, C1 जो सेंटर 1 है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं माइनस 1 कॉमा पॉजिटिव 1 और C2 अभी हमने कैलकुलेट किया 3 कॉमा माइनस 4, C2 के कोऑर्डिनेट्स 3 कॉमा माइनस 4, बल्कि ये F जो है वो इक्वल टू 2 आता है क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 कॉमा माइनस 2 बनेगा। ठीक है, 3 कॉमा माइनस 2। अच्छा, अब ये दोनों सेंटर्स हैं हमारे पास, तो मेथड आप नोट कीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत यानी कि वैल्यूज़ की करेक्शन जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो ये यानी कि करेक्ट रिजल्ट है। तो इन दोनों के दरमियान आप C1 C2 मैंने कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आएगा, 3 माइनस या 3 प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस जो है माइनस टू माइनस वन का स्क्वेयर और उसके ऊपर है होल स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो 4 का स्क्वेयर इज 16 प्लस जो ये बनेगा माइनस 3 का स्क्वेयर इज 9 उसका स्क्वेयर रूट। तो C2 जो डिस्टेंस बन रहा है वो इक्वल आ रहा है 25 का स्क्वेयर रूट यानी कि 5। दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस 5 आ चुका है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो है रेडियाई के सम के इक्वल है या डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, उसके लिए हम R1 प्लस R2 कैलकुलेट करते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R1 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 और R2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो ये है। ठीक है, मतलब कि F की वैल्यू जब चेंज हुई, मतलब हमने कहा कि यहाँ माइनस 9 था, ठीक है, तो बल्कि C की वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद G स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर माइनस C
ये रेडियस है, और यहाँ सी जो है -9 हो गया, ठीक है। और एफ़ की वैल्यू आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो 2 है, ठीक है। 2f = 4, f = 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास R2 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3 + 2 जो कि = 5 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि C1 C2 जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, वो = 2 किसके आ चुका है, रेडियस के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो इस केस में हमने पहले देखा कि जो सर्कल्स हैं वो टच करे होते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, यही क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है, ठीक है। मतलब कि उसमें हमने सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन है, x² + y² + 2x - 8 = 0, एक सर्कल ये है, और दूसरा सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है x² + y² - 6x और +6y - 46 = 0। ये दोनों सर्कल्स हमने प्रूव करने के टच इंटरनली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही सिनारी होगा, वही मेथड होगा कि आपने इसका सेंटर और जो C1 और R1 कैलकुलेट करना है, इसी तरह से C2 और R2 कैलकुलेट करना है। उसके बाद दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो दोनों यानी कि रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा, या R2 - R1 के इक्वल, या R1 - R2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 = 0 एट ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे हमें गिवन है 1, -3। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास, सपोज मैं पहले एक ही सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। एक सर्कल इस तरह से है, ठीक है। इसको हम सर्कल की शेप में ले आते हैं, ये हमारे पास ये सर्कल है, और इसके ऊपर टेंजेंट लाइन भी मैं बनाता हूँ जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। हम बल्कि इसको थोड़ा सा जो है ना हम स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। चलें हम इधर इसको जो है रख लेते हैं। ये इस तरह से एक लाइन जो है वो सर्कल के टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट से देखें तो इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस भी होगा, ठीक है, ये आर भी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अच्छा, अब ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x - y - 4 = 0, और ये पॉइंट भी हमें गिवन है जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है, वो ए पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, और सेंटर पॉइंट अब हमें यहाँ पर नहीं पता। तो सेंटर पॉइंट को हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेंटर पॉइंट का नाम सी है और एच और के उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने सपोज किया खुद से। अब इस सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान, या इस लाइन और इस पॉइंट सेंटर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, और रेडियस ऑलरेडी हमें बताया गया है कि वो 2 है सर्कल का, ठीक है। तो चले हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, मतलब कि सी पॉइंट और ए पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, वो क्या बनेगा, h - 1² + k + 3² और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट, ये ए सी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, बल्कि h - k, तो h और k की भी वैल्यूज तो हमें पता नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए और सी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो ये r = हो जाएगा h - 1² + k + 3² और दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वेयर ले लूँ तो ये इसका स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे आर का स्क्वेयर बन जाएगा। तो r² = h - 1² + k + 3² ठीक है। अब आर की वैल्यू तो हमें यहाँ पर पता है,
जो कि 2 है, तो ये 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, ठीक है, ये बन जाता है। और इस इक्वेशन को आप अगर जो है सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब ये इक्वेशन तो चलें हमारे पास आ चुकी है, अब मुझे इस टेंजेंट की स्लोप भी चाहिए। टेंजेंट की स्लोप मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? टेंजेंट की स्लोप एक तो तरीका ये है कि आप इसका जो है डेरिवेटिव ले लें, ये सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें, तो यानी कि स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, उसमें ये पॉइंट पुट कर दें, ठीक है, ए पॉइंट, तो आपके पास इस टेंजेंट की इक्वेशन यानी कि वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इस रेडियल लाइन का पहले स्लोप फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स मुझे पता है, ठीक है, यानी कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर दो पॉइंट्स मुझे पता हूँ वो उसकी मैं यानी कि स्लोप आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो चले मैं इसकी स्लोप फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ रेडियल लाइन, रेडियल लाइन कौन सी है, ए सी, रेडियल लाइन ए सी, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगी, के प्लस 3 ओवर एच माइनस 1, वो किस तरह से कि वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ठीक है, के प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एच माइनस 1, ये इसकी स्लोप आ गई। लेकिन मुझे तो चाहिए थी टेंजेंट लाइन की स्लोप, तो आपको पता है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और दो लाइंस जब आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू माइनस 1 होता है। मतलब कि मैं कहूँगा कि स्लोप ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेडियल लाइन स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इसका प्रोडक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू माइनस 1 होगी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होगा फिर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, और स्लोप ऑफ ए सी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। तो ये माइनस 1 ओवर के प्लस 3 डिवाइडेड बाय एच माइनस 1 बनता है। अब इसको हम जो है सिंपल यानी कि कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा माइनस एच माइनस 1 ओवर के प्लस 3, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यानी कि इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आप इसकी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इक्वल टू आएगी 1 के, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसकी इक्वल टू 1 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव लेके इसको पॉइंट को पुट कर दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद इसको इक्वल टू 1 रखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, k इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 2, ये इक्वेशन आ जाती है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक हमारे पास इक्वेशन पहली थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इक्वेशन नंबर है ये 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो आपके पास h और k दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो h की वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस तरह से k की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास h और k की वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ से हमारे पास पता है कि h और k की दो दो वैल्यूज आई हैं, मतलब कि h इज इक्वल टू है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और k है हमारे पास माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है, और जब h है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, तो k है हमारे पास k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो ये दोनों यानी कि h और k ये सेंटर बनता है, ठीक है, और रेडियस हमें पता है, r रेडियस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 के इक्वल, तो आप इसको जो है सर्कल की इक्वेशन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो
इक्वेशन है सर्कल की, उसमें पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप ये खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एच और के और रेडियस हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है, और यहाँ पर लेक्चर का टाइम भी कवर हो चुका है, और यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।